हाँ तो प्यारे बच्चों बात कर रहे थे यानी कि मौर्य कालीन अर्थव्यवस्था के बारे में, व्यापार के बारे में, क्योंकि जो व्यापार है जल और थल दोनों ही मार्ग से होता था, व्यापारियों की श्रेणियों में संगठित थे और इनके मुखिया को क्या कहा जाता था, शिष्य। इसको ध्यान रखेंगे, ये शिष्य के बारे में पूछा जाता था, यानी कि जो व्यापारिक श्रेणी का संगठन था और उसका मुखिया हुआ करता था उसे शिष्य कहा जाता। जातक जो है कथा है उसमें 18 प्रकार की श्रेणियों का जिक्र किया है। यहाँ पर जहाजों का निर्माण, ठीक है, ध्यान रखेंगे क्योंकि इस समय जहाजों का भी निर्माण होता था और बहुत बड़ा उद्योग था, ठीक है। प्रमुख उद्योग कौन था, यानी कि जहाजों का निर्माण, ओके, ठीक है। कौटिल्य के अनुसार जहाज निर्माण राज्य का एकाधिकार था, ठीक है। कौटिल्य ये कहता है कि जो जहाजों का निर्माण कौन करते थे, यानी कि राज्य के मोनोपोली थी, यानी कि एकाधिकार था। यहाँ पे जो बंदरगाह कहाँ पर थे, यहाँ पे दो बंदरगाह थे, एक तो था यहाँ पे भृगु कक्ष कहा जाता पश्चिम भारत में, ये पूछ लिया जाता है, यानी कि कौन से दो बंदरगाह थे, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देंगे व्यापार क्षेत्र में प्राचीन भारत में, तो एक तो भृगु कक्ष भड़ोचा और यहाँ पर पूर्वी भारत में कौन सा था, ताम्रलिपि, ध्यान रखेंगे ताम्रलिपि दो, यानी कि बंगाल क्षेत्र में है ताम्रलिपि और ये है भृगु कक्ष, ठीक है। इन दोनों को ध्यान रखेंगे, यहीं से व्यापार के केंद्र थे, यानी पश्चिम और पूर्व से दो यानी कि व्यापारिक केंद्र थे। यहाँ पर कौटिल्य के अनुसार स्थल मार्ग पर यानी व्यापार बहुत अच्छा, ठीक है, यानी कि नदी मार्ग से अच्छा व्यापार होता था, ठीक है, स्थल मार्ग के अनुसार। तत्शिला उज्जैन, देखिए यहाँ पर जो देखिए जो प्रमुख केंद्र थे, ठीक है, ये तत्शिला था और उज्जैन भी और काशी और कौशाम्बी और तौसाली के पाटली ये बड़े बड़े शहर थे, इसलिए यहाँ पर ये क्योंकि ठीक है प्रमुख केंद्र थे, ठीक है, जो बीच रास्ते में पड़ते थे, इसलिए ये कैसे थे प्रमुख केंद्र थे व्यापार के, इसलिए अशोक को तौसाली जीतना बहुत जरूरी था, इसलिए उसने कलिंग पर आक्रमण किया था, ठीक है, क्योंकि कलिंग पर दूसरा उसके व्यापार क्षेत्र में अड़चन आ रही थी। आगे चलते हैं मिस्र के जो टॉलमी, ठीक है, यहाँ पर बताते हैं कि जो लाल सागर तट पर जो वर्निस है, ठीक है, वर्निस का मतलब है लाल सागर तट पर, समझिए वहां पर मौर्य यानी कि बंदरगाह मौर्य काल में सबसे यानी कि प्रधान यानी कि सूत काटने, ठीक है, तो यहाँ पर उद्योग यानी कि सूत यानी कि काटने और यानी कि बुनने का, ठीक है, था यानी कि भारत में पहले यानी कि वर्निस जो है लाल सागर में ऐसा टालमी कहता है कि सूत यानी कि कातने और बुनने का मौर्य काल में यानी कि वस्त्र निर्माण, ठीक है, सरकारी कारखाने थे, यानी कि जो वस्त्र निर्माण क्या था सरकारी कारखाने के रूप में यहाँ पर थे। तो देखिए यहाँ पर वस्त्रों का निर्माण होने लगता है भारत में, ठीक है। आगे चलते हैं अर्थात बहुत अच्छे यानी कि वस्त्र उद्योग थे हमारे भारत में, यहीं से विदेशों में यानी कि वस्त्र जाते थे, यानी भारत बहुत फेमस था वस्त्र और कॉटन उद्योग में, इंडस्ट्री में। यहाँ पर अर्थशास्त्र के अनुसार काशी वंग पुंड कलिंग मालवा सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध थे। यहाँ पर ध्यान रखेंगे यहाँ पर के काशी वंग, ठीक है, पुंड कलिंग ये सब मालवा के क्या है, मालवा यानी कि सूती कपड़ों के लिए, क्योंकि मालवा क्षेत्र है वहाँ पर रेंगुर मिट्टी पाई जाती है, कपासी मिट्टी पाई जाती है और उस क्षेत्र में यानी कि कपास का उत्पादन होता है। यहाँ पर सूत्री वस्त्र प्रसिद्ध है, यहाँ पर काशी और जो पुंड है यहाँ पर रेशमी वस्त्र, यहाँ पर देखिए उद्योग यहाँ पर व्यापार था। तो यहाँ पर बंग की मलमल, ठीक है, बंगाल की मलमल बहुत फेमस थी, विश्व विख्यात थी बंगाल की मलमल, ये क्वेश्चन पूछा जाता है बंगाल की मलमल, ध्यान रखेंगे प्यारे बच्चों बंगाल की मलमल ध्यान रखेंगे, ये भी ध्यान रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर चीनी पड्डू, ठीक है, चीनी पड्डू यानी कि चीन से आने वाला रेशम, रेशम का व्यापार कहाँ का होता था, चीन से। यहाँ पर पत्रों यानी कि पेड़ के पत्तों या रेशों से भी वस्त्र बनाए जाते थे। यहाँ पर दुक्कुल, दुक्कुल यानी श्वेत या चिकना वस्त्र भी, ठीक है, बनाए जाते हैं दुक्कुल का। यहाँ पर छौम यानी एक प्रकार का छौम क्या था, रेशमी वस्त्र, इनको ध्यान रखें। कौश्य,
कौशल का मतलब है कौटिल्य द्वारा वर्णित एक प्रकार का वर्ष कौश्य। यहाँ पे श्रेणी न्यायालय का प्रधान कहा था महा यानी कि सृष्टि कहा जाता, यानी कि श्रेणी न्यायालय का जो प्रधान होता था ठीक है, जो जुडिशरी का काम करता था व्यापार क्षेत्र में, उसको महासृष्टि कहा जाता था। तो देखिए किस तरह का व्यवस्था थी ठीक है। देखिए मौर्य साम्राज्य में या अशोक कालीन यहाँ पर यूनानी यानी लेखक कर्टिसियस ने श्वेत यानी कि लोहे की तलवार का उल्लेख किया, यानी कि सफेद यानी कि तलवारें होती थी चमचमाती यानी स्टील का, ध्यान रखेंगे यहाँ पर ये यानी कि कर्टिसियन ने ये जिक्र किया। यहाँ पर मौर्य काल में यानी कि लोहा जो उद्योग था अत्यंत यानी कि विकसित हो चुका था, यहाँ पर लोहा उद्योग यानी कि विकसित हो चुका था मौर्य यानी कि साम्राज्य में ठीक है। प्रशासन कला हम पढ़ा रहे हैं और यहाँ पर सब चीज ध्यान रखेंगे। यहाँ पर व्यापारिक मार्ग ठीक है, राजमार्गों की ठीक है, राजमार्ग निम्न थे। यहाँ पर राजमार्ग से प्रशासनिक व्यवस्था की आवश्यकता हेतु राजमार्गों की जरूरत थी। और यहाँ पर प्रथम जो राजमार्ग था उत्तरापथ से लेकर के उत्तरापथ पुष्कलाभ ठीक है, यानी कि पुष्कलावती से ठीक है, तत्सिला से लेकर के यहाँ पर ध्यान रखेंगे तत्सिला ठीक है, यहाँ पर तत्सिला श्रावस्ती पाटलिपुत्र होते हुए ताम्रलिप्ति यानी कि बंगाल तक ये जाता था, व्यापारिक मार्ग था और ये सबसे बड़ा मार्ग था। और मैं सबसे बड़ा मार्ग था और यही यानी कि आजकल जो बोला जाता है ग्रैंड ट्रंक मार्ग, कौन सा ग्रैंड ट्रंक मार्ग, यह प्राचीन भारत में सबसे लंबा व्यापारिक मार्ग था जो तक्षशिला से ताम्रलिपि तक जाता था। आगे दूसरा जो मार्ग है यहाँ पे देखिए मार्ग ध्यान रखेंगे, पश्चिम में पाटल ठीक है, पाटल से यानी कि पूरब में कौशाम्बी तक ये जाता था, इसे उत्तरापथ मार्ग कहा जाता उत्तरापथ मार्ग। आगे यहाँ पर जो तीसरा जो मार्ग था दक्षिण में प्रतिष्ठान से लेकर के और यहाँ पे श्रावस्ती तक जाता था। अगला यहाँ पे जो चौथा मार्ग है यहाँ पे भगु कक्ष ठीक है, भगु कक्ष का मतलब है यानी कि भड़ोच यानी कि से यानी कि उज्जैन होते हुए और मथुरा में जाता था। यहाँ पर ये चीजें कितने चार मार्ग थे यानी कि भारत में यानी कि मौर्य साम्राज्य के समय। मेगास्त्री जो है ने इंडिका में लिखा है ठीक है, जो इंडिका है मेगास्त्रीज की सिंध से पाटलिपुत्र तक यानी कि सिंध से और पाटलिपुत्र तक यानी कि राजमार्ग का उल्लेख मिलता है ठीक है, ध्यान रखेंगे ये राजमार्ग हैं जो इस समय उल्लेख मिलता। तो यहाँ पर चार राजमार्ग हैं। आगे चलते हैं मौर्य कालीन भौतिक संस्कृति यानी कि का विस्तार। यहाँ पर मौर्य कालीन भौतिक संस्कृति यानी कि जो थी यानी कि भौतिक संपदा ज्यादा कहाँ थी, यानी कि गंगा घाटी क्षेत्र में। तो यहाँ पर गंगा और गंगा घाटी क्षेत्र में ही लोहे का यानी कि पहली बार उपयोग किया गया था आठ सौ ईसा पूर्व। और बाद में ये देखिए आहत सिक्के का उपयोग। और यहाँ पर जो मौर्य काल को ये बहुत फेमस है, ये जो देखा है यहाँ पर उत्तरी काली पॉलिस ठीक है, ये तो पहले भी रहे हैं ठीक है उत्तर वैदिक में। और वहाँ पर आहत सिक्के जो है हरियक वंश से ही चलाए जा रहे हैं या नंद वंश से आहत सिक्के चलाए गए थे नंद डायनेस्टी से। यहाँ पर उत्तरी कॉल ठीक है उत्तरी काली पॉलिस मृद्वान प्रयोग। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे यहाँ पर ये आती है उत्तरी ठीक है उत्तरी पॉलिस यानी कि जो मृद्वान थे कैसे थे उत्तरी काली पॉलिस वाले मृद्वानों का प्रयोग। पक्की ईंटें यहाँ पर देखिए मंडल कूपों का उपयोग। उत्तरी भारत में नगरों की संख्या में वृद्धि हुई तो देखिए ईंटें भी बनने लगती हैं। यहाँ पर पक्की ईंट और कूपों का प्रयोग भी है मौर्य साम्राज्य में, पक्की ईंटों से अधिक स्थायी मकानों का निर्माण। यहाँ पर मंड कूपों का यानी कि पानी के लिए यानी कि ठीक है बनने लगे ठीक है। नदी तट पर बसियों का निर्माण ना होकर के कुछ परंपरा में बदलाव हुआ और लोग यानी कि मंड यानी कुएं बना करके अलग स्थानों पर भी रहने लगे यानी कि दूर दराज के स्थानों पर
कुएं खोद करके ठीक है नदी तट से दूर इलाकों में भी लोग बसने लगे और मंडप कूपों में पानी की जो समस्या ठीक है के समाधान में भी मदद की। आगे मंडप जो कूप थे तंग बस्तियों में शेष ठीक है गंतों का भी कार्य करते थे। यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, उत्तरी कॉलिस पॉलिस मरद्वार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे ठीक है। आगे चलते हैं, उड़ीसा में शिशुपालगढ़ और बंगाल में चंद्र केतु ठीक है, ये चंद्र केतु क्या था, मृद भांडों के उत्खनन की दृष्टि से महत्वपूर्ण था। चंद्र केतु यहाँ पे उत्खनन में मिले हैं, यानी कि कौन से मृद भांड मिले हैं, जो कि कैसे मृद भांड मिले हैं, उत्तरी काले पॉलिस मृद भांड संस्कृति थी, मौर्य संस्कृति है। तो वहां पर मैं पहले संस्कृतियों के बारे में बता चुका हूँ ठीक है, हड़प्पा कल्चरी गेरिक मृद भांड संस्कृति ठीक है, उत्तर वैदिक जो संस्कृति थी वो चित्रित दूषण मृदभान संस्कृति, और ये मौर्योत्तर कौन सी संस्कृति है, यानी कि उत्तरी काले पॉलिस मृदभान संस्कृति, ध्यान रखेंगे। हाँ तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे बात करते हैं मौर्यकालीन कला के बारे में। तो यहाँ पे जो मौर्यकालीन कला है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से, क्योंकि ज़्यादातर अधिकांश यानी कि एग्जाम में कला और स्थापत्य कला के बारे में बहुत पूछा जाता है, इसलिए ये मौर्यकालीन कला बहुत ही यानी यहाँ से क्वेश्चन 100% यहाँ से क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आता है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, इस पर विशेष तौर से ध्यान देंगे मौर्यकालीन कला। तो यहाँ पे जो पटना के बुलंदी बाग क्षेत्र में मौर्यकालीन यानी लकड़ी का महल मिला है, कैसा, यानी कि जो पटना है ये बुलंदी बाग क्षेत्र में मौर्यकालीन लकड़ी का महल मिला है, क्योंकि यहाँ पर लकड़ी तो फिलहाल यानी कि क्योंकि सेके सड़गल गई। आगे चलते हैं, पटना के जो समीप है यहाँ पे कुम्भहार गांव में ठीक है, यानी कि राज प्रसाद के अवशेष प्राप्त हुए हैं, कहाँ से, यानी कि मौर्यकालीन। यहाँ पे जो फाइयान है, फाइयान के अनुसार यह राज यह जो प्रसाद मानव कृति नहीं है, यानी कि वरन किसके द्वारा, देवों के द्वारा निर्मित किया हुआ भवन बताते हैं, क्योंकि बहुत ही आलिशान था ये जो पटना का जो राजमहल था। यहाँ पे एरियन के अनुसार यानी कि यानी राज जो प्रसाद है यानी कि शान सौकात के मुकाबला न तो सूसा में कोई कर सकता था, न ही एक बेतना में कर सकते, यानी कि जो विदेशी यानी कि जो राज प्रसाद थे या उनसे बेटर यानी कि शान सौकात के मामले में यानी कि ये राज प्रसाद था, यानी कि जो पटना में था। यहाँ पर मौर्य काल में जो कास्ट के स्थान पर यहाँ पर पत्थर का प्रयोग शुरू हुआ था। यहाँ पर अशोक के समय में एकाश्म स्तंभ, ये ध्यान रखेंगे, एकाश पत्थर के द्वारा एक ही पत्थर को तराश करके
यानी कि अभिलेख बनाए गए थे। यहाँ पर जो स्तंभ जो शिलालेख है वो एक ही पत्थर से निर्मित किए गए थे और यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ नमूने प्राप्त होते हैं। यहाँ पर चमकदार पॉलिश ठीक है चमकदार पॉलिश की गई थी, यानी कि अशोक स्तंभों पर। यहाँ पर अशोक के जो स्तंभ थे उत्तर प्रदेश में चुनार, यहाँ से ध्यान रखेंगे चुनार मिर्जापुर में, यहीं से बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया था। यहाँ पर स्तंभों के शीर्ष पर अलग से बना हुआ यानी कि शीर्ष पर पशुओं की मूर्तियां यहाँ पर मिली हैं, ठीक है। शीर्ष भाग पर पशुओं की मूर्तियां, शीर्ष का मुख्य अंश क्या था, घंटा यानी कि वहां पर मिला शीर्ष पर। ये हिंदू संस्कृति का महत्वपूर्ण है और बौद्ध यानी कि संस्कृतियों में ये घंटा ध्यान रखेंगे। यहाँ पर आवा ठीक है आवा मुखी कमल, यहाँ पर कमल का भी यानी कि दिया हुआ है आवांगमुखी कमल। तो यहाँ का कमल और घंटा ये मौर्य कालीन कला के ही यानी कि विशेष पाठ है यहाँ पर, जो शीर्ष पर उल्लिखित किए गए हैं यानी कि अशोक के अभिलेखों पर। यहाँ पर शीर्ष पर चार पशुओं का भी अंकन है, चार पशुओं का यानी कि हाथी का और घोड़ा और सिंह और बैलों का यानी कि स्तंभों पर या अभिलेखों पर आपको मिलता है। यहाँ पर अशोक के जो स्तंभ थे यानी कि कौन कौन से पशु थे इन पर ध्यान देखिए। चार जो सारनाथ पर ये पूछता है कितने शेर थे, यानी कि चार यानी कि सिंह, यानी कि कितने चार सिंह थे, इनको ध्यान रखेंगे चार सिंह। तो यहाँ पर किस पर है सारनाथ, आगे यहाँ पर ध्यान रखेंगे इसको यानी कि यहाँ पर इस तरह से बना दे। यहाँ पर लोरिया नंदगढ़ ठीक है, यहाँ पर एक सीन है ठीक है, लोरिया में एक सीन है स्तंभ पर जो है। यहाँ पर देखें रामपुरवा स्तंभ पर एक बैल है, इनको मैच करके ध्यान रखेंगे। वैशाली में क्या है एक सींग है, यहाँ पर ठीक है संकासा ध्यान रखेंगे हाथी, यहाँ पर सांची। तो देखिए दो स्तंभ ऐसे हैं जहाँ पर चार सींग है, तो यहाँ पर चार सींग किसमें है, एक तो यहाँ पर सारनाथ में और यहाँ पर सांची जो स्तंभ है इसमें कितने हैं चार सींग है ठीक है, बाकी में यहाँ पर एक सींग है और इसको ध्यान रखेंगे। रामपुरवा ये पूछता है रामपुरवा यानी कि बैल का कहाँ पर है और यहाँ पर संकीसा ध्यान रख लेंगे तो आपको सब कुछ याद हो जाएगा, यानी कि शिखर सांकसा यानी सांकसा का हाथी ठीक है शीर्ष पर है और यहाँ पर रामपुरवा और यहाँ पर साक्षा ध्यान रखेंगे हाथी है, बाकी पर शेर है। यहाँ पर चार शेर किसमें सारनाथ पर और सांची पर चार है, इनको ध्यान रखेंगे यानी कि एक दूसरे यानी कि सांग पर एक सिंह बैठाया गया ठीक है, कैसा है एक सिंह है, बाकी सांची और सारनाथ पर चार सिंह है, इनको ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट में ठीक है, यहाँ पर मौर्य कालीन के ठीक है अर्थव्यवस्था नहीं है ध्यान रखेंगे, कला ही है क्या है यानी कि कला ठीक है, बात कर रहे हैं मौर्य कालीन कला के बारे में, तो यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे ठीक है। रामपुरवा के दूसरे जो है संपर्क से एक सिंह यानी कि बैठाया गया और रामपुरवा में ही मैंने अभी आपको बताया गया था एक बैल और एक पर सिंह भी है ध्यान रखेंगे। यहाँ पर कोसाम्बी रामपुरवा और वैशाली और संकिसा यानी कि स्तंभ लेख विहीन है, यानी कि यहाँ पर कोई लेखन नहीं किया गया है, यानी कि सिर्फ क्या है यानी कि मूर्तियां रखी गई हैं जो कि जानवरों की मूर्तियां ठीक है, यहाँ पर पशुओं की जो मूर्तियां हैं वो है यानी लेख विहीन है। ये पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्तंभ लेख लेख विहीन है, तो ध्यान रखेंगे कौसाम्बी रामपुरवा वैशाली और संकिसा चार है। यहाँ पर अशोक के एकात्म स्तंभों का सर्वश्रेष्ठ जो नमूना है वो कहाँ मिलता है सारनाथ, तो यहाँ पे जो सारनाथ यानी कि सिंह स्तंभ है यानी कि जो चार सिंह दिए गए ये फेमस है और यही क्या है हमारा यानी कि राष्ट्रीय प्रतीक है, क्या है राष्ट्रीय प्रतीक है, जो कि एक दूसरे जो सिंह है यानी कि पीठ सटाए हुए बैठे है और एक चक्र धारण के नीचे चक्र है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे चक्र यानी कि बुद्ध द्वारा धर्म चक्र परिवर्तन का प्रतीक है, यानी कि जो ये चक्र जो लिया गया है यानी किसका है बुद्ध का है, या हमारे झंडे में या
यानी कि जो प्रतीक के रूप में है, ये धम्म चक्र परिवर्तन है, ये बुद्ध का ही प्रतीक चिन्ह है, इसको ध्यान रखिए। यहाँ पर आधुनिक भारत का जो राष्ट्रीय जो चिन्ह है, ठीक है, सारनाथ स्तंभ से ही लिया गया है, इसको ध्यान रखिए। यहाँ पर मूलतया में यानी कि 32 ट्रिलियन थे, पहले कितने थे 32 ट्रिलियन थे, अब प्रत्येक में कितनी है 24, ठीक है, यानी कि 24, ठीक है, 24 ट्रिलियन है, अब पहले कितनी थी 32 थी, अब कितनी है, यानी कि जो अशोक उसमें जो चक्र जो दिया गया, ठीक है, इसका मतलब है यहाँ पर मूलतः 32 ट्रिलियन थी, जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसमें 24 ट्रिलियन कितनी है 24 ट्रिलियन ध्यान रखेंगे, ये पूछ लिया जाता है। यहाँ पर सांची और जो भरूत मूल स्पूत निर्माण के श्रेय यानी कि अशोक को दिया जाता है, से कौन है अशोक, ध्यान रखेंगे अशोक, सांची और भरूत ये किसने बनवाए थे, यानी अशोक ने। भारतीय स्तंभ सपाट, ठीक है, ईरानी स्तंभ कैसे थे, नालीदार थे, जो भारतीय स्तंभ कहते थे एकदम सपाट थे, और जो नाली जो नालीदार जो स्तंभ जो थे जिसमें नालियां थी वो ईरानी स्तंभों में थी, ये यानी कि ईरानी स्तंभ और भारतीय स्तंभ के बीच में अंतर यानी कि वास्तुकला में दिखाई देता। यहाँ पर अशोक ने वास्तुकला की यानी कि नई शैली यानी कि नई गुफा का निर्माण किया था, इस चीज को यहाँ पर ध्यान रखेंगे, यानी कि इस चीज को यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ठीक है, इस चीज को यहाँ पर ध्यान रखेंगे प्यारे बच्चों थोड़ा सा। हाँ तो प्यारे बच्चों इनको ध्यान रखेंगे, ठीक है, अशोक की वास्तुकला की यानी कि नई शैली के बारे में इसको ध्यान रखेंगे, ये नई शैली यहाँ पर इसको ध्यान रखेंगे, चलिए वास्तुकला की नई शैली इसको ध्यान रखेंगे, नई शैली यानी कि गुफा, देखिए इन गुफाओं को ध्यान रखेंगे, निर्माण यानी कि बराबर पहाड़ी की, यानी बराबर कहाँ पर है, यानी गया में बराबर पहाड़ी की 4 गुफाओं का निर्माण कराता अशोक ने, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन यहाँ से आता है, इसका ध्यान रखेंगे। बराबर पहाड़ियाँ कहाँ पर है, गया यानी कि ठीक है, जहाँ पर गया महात्मा गौतम बुद्ध ने यानी कि अपना ठीक है ज्ञान प्राप्त किया था, और गया में ही नालंदा विश्वविद्यालय बहुत फेमस है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो कुमार गुप्त ने बनवाया था, और यहीं पर बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाएं अशोक ने यानी कि निर्माण कराया था, इनको ध्यान रखेंगे, अशोक ने निर्माण कराया था, और इनके यानी कि कौन कौन से 4 गुफा थी इनको ध्यान रखेंगे, एक तो कर्ण गुफा थी, और एक सुदामा, और एक चौपार, और एक विश्व झोंपड़ी, ये गुफाओं का ध्यान रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ के क्वेश्चन आपकी परीक्षा में निश्चित आता है। यहाँ पर बराबर की जो पहाड़ियों में लोमस ऋषि की गुफा कहाँ पर है, बराबर, ठीक है, बराबर पहाड़ियों में है गुफा, मौर्य कालीन है, इसका निर्माण किसने कराया था, यानी कि दशरथ ने, लोमस ऋषि ध्यान रखेंगे, यानी कि निर्माण दशरथ ने, जो राजा के पुत्र यानी कि पोत्र थे, अंतिम शासक थे रानी के, निर्माण यानी कि दशरथ, उसके बाद आते हैं बृहदत्त, बृहदत्त की हत्या किसने की थी, शुंग ने, यानी शुंग वंश स्टार्ट हुआ था बाद में। आगे चलते हैं, यहाँ पर अशोक के जो पुत्र देखे यहाँ पर दिया गया, यानी कि जो नागार्जुनी पहाड़ियां, ठीक है, नागार्जुनी पहाड़ियां किसने यानी कि इसके पुत्र ने, और बराबरी पहाड़ियां किसमें, अशोक ने, यहाँ पर लोमस ऋषि जो गुफा है जो बराबर पहाड़ियों में है वो दशरथ ने, यहाँ पर नागार्जुनी जो पहाड़ियां आजीविकों के लिए 3 गुफाएं प्रदान की किसने यानी कि राजा दशरथ ने, यहाँ पर देखे आजीविकों के लिए ये प्रदान की। यहाँ पर गोपी गुफा ध्यान रखेंगे, ये गोपी गुफा बहुत फेमस है, यहाँ पर प्रसिद्ध है। वापी गुफा, ठीक है, ध्यान रखेंगे, गोपी वापी और यहाँ पर पदिक गुफा, 3 गुफाएं यानी कि निर्माण करनाई थी किसने, निर्माण राजा दशरथ ने, ठीक है, यहाँ पर ये राजा दशरथ की है, लोमत बराबर में, और यहाँ पर गोपी गुफा, वापी गुफा और पदथिक गुफा, ये यानी कि नागार्जुन पहाड़ियों में निर्माण कराया था राजा दशरथ ने, ठीक है, ध्यान रखेंगे, निर्माण यानी कि दशरथ ने, सम्राट जो था अशोक कालीन। आगे चलते हैं यहाँ पर लोक कला, यहाँ पर मथुरा के जो परखन गांव में, ये मथुरा भी कला संस्कृति के लिए है, यहाँ पर यक्ष की मूर्ति मिली है,
मणिभद्र कहलाते हैं। यहाँ पर पटना में जो है ठीक है दीदारगंज से प्राप्त ठीक है चामर ग्रहणी यक्षिणी और वेशनगर यहाँ पर से यक्षी की मूर्ति ठीक है यक्ष और यक्षिणी की मूर्ति बनी है। ग्वालियर ध्यान रखेंगे मणिभद्र यक्षी की मूर्ति। राजघाट ध्यान रखेंगे वाराणसी से प्राप्त यानी कि त्रिमुखी यक्ष की मूर्ति प्रतिमा। शिशुपालगढ़ ध्यान रखेंगे यहाँ पर यही यक्ष की प्रतिमा। तो इन शहरों से ज्यादातर यक्ष की यानी कि प्रतिमा बनी है। पटना ध्यान रखेंगे बुलंदी बाग में नर्तकी की मरण मूर्तियां और रथ का एक पहिया भी मिला है। 24 तीलियां यहाँ पे दिया गया है। देखिए 24 तीलियां हैं से ठीक है एक पहिया है जिस पर कितने हैं 24 तीलियां है ध्यान रखेंगे। आगे यहाँ पर उड़ीसा में ठीक है ये भी ठीक है कला संस्कृति क्षेत्र था। उड़ीसा में ये धौली है चट्टान काट करके हाथी आकृति गुफाएं बनाई गई थी ठीक है। हाथी गुम्पा अभिलेख के बारे में आपने सुना होगा। मौर्य साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे यहाँ पर विभिन्न इतिहासकारों के विभिन्न मत हैं। इनको सीधा सीधा रटेंगे और यहाँ पर मैं टिक मार दे रहा हूँ और इनको यहाँ पर ध्यान रखेंगे ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हेमचंद्र यानी कि राज चौधरी के अनुसार क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने अहिंसा और शांतिप्रिय नीति अपनाई थी सबसे महत्वपूर्ण कारण यही है ठीक है। हेमचंद्र राज चौधरी का ठीक है इसके पतन का मौर्य साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण यही कारण है इसको ध्यान रखेंगे। यहाँ पर डीडी कोसाम्बी के द्वारा आर्थिक संकट आ गया था क्योंकि अशोक ने बहुत खर्च किया था यानी कि अभिलेख गढ़वाने में इसलिए राजकोष यानी कि कम हो गया। तो सभी कारणों का अंतर रहता है किसी भी साम्राज्य के पतन में ठीक है थोड़ा थोड़ा सबका महत्व है। यहाँ पर हरप्रसाद ने यानी कि धार्मिक नीति को कहा यानी कि ब्राह्मण विरोधी नीति अपनाई ठीक है। डीएन झा ने कहा कमजोर उत्तराधिकारी पैदा हुए इसलिए ये सभी का योगदान है ठीक है कोई एक विशेष कारण नहीं होता यानी कि किसी मौर्य साम्राज्य इतना बड़े के पतन के कारण में सभी का ध्यान रखेंगे सभी का उल्लेख करेंगे। यहाँ पर अगर आपको कोई भी क्वेश्चन लिखना है अच्छे तरीके से तो यहाँ पर सभी का यानी कि लेके चलेंगे और आपने पीछे सब कुछ पढ़ लिया तो यहाँ पे क्वेश्चन सीधा तैयार मेंस परीक्षा के लिए हो सकता है। यहाँ पर रोमिला थापर यानी केंद्रीय प्रशासन था यानी कि अप्रशिक्षित नौकरशाही थे यानी कि ज्यादा एजुकेशन वाले लोग नहीं थे ठीक है। यहाँ पर मौर्य शासक बिंदुसार के विभिन्न नाम यहाँ पर ध्यान रखेंगे ठीक है। यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है बिंदुसार के विभिन्न नाम यहाँ पर देखेंगे यहाँ बिंदुसार यहाँ पर ले लेते हैं। यहाँ पर अमित्रोचेडस यानी यूनानी लेखकों के अनुसार बिंदुसार को क्या कहा गया अमित्रोचेडस अमित्रघात यानी संस्कृत ग्रंथ में और फलित में कहा गया। यहाँ पर अमित्रोकेटस यानी स्टेबो ने कहा वायु पुराण में बिंदुसार को यानी कि मद्रसार और सिंहसेन किसमें जैन ग्रंथ में है और बिंदुपाल किसमें फॉय ठीक है फायन यानी कि चीनी ग्रंथ में लिखा गया। ये विभिन्न नाम है किसके बिंदुसार के इनको ध्यान रखेंगे ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन और यहाँ से सुमेलित करने के लिए भी आपकी परीक्षाओं में क्वेश्चन आते हैं। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट पर यहाँ पर देखिए ये है अर्थशास्त्र ठीक है। यहाँ पर अर्थशास्त्र की जो प्राचीन जो कुछ शब्दावली दी गई है तो यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे। यहाँ पर मैं पढ़कर सुना दे रहा हूँ आपको शायद कम ये नजर में आएगा क्योंकि बारीक लिखा है। यहाँ पर अर्थशास्त्र ठीक है प्राचीन भारत में राज के सामाजिक अध्ययन महत्वपूर्ण था। अर्थशास्त्र यानी प्राचीन भारतीय चिंतन का नीति शास्त्र परंपरा इसको ध्यान रखेंगे। यहाँ पर प्रतिनिधि ग्रंथ है इसमें लौकिक आचरण यहाँ पर ध्यान रखेंगे ठीक है उसकी उन्नति सिद्धांत की इसको कोई जरूरत नहीं है। अर्थशास्त्र में बताया गया कि राज्य को प्राप्त सहेजना चाहिए ठीक है प्राप्त करना चाहिए। 1905 में चंदौर के एक ब्राह्मण ने यानी अर्थशास्त्र की हस्तलिपि यहाँ पर 1905 में एक ब्राह्मण ने अर्थशास्त्र की हस्तलिखित यहाँ पर ध्यान रखेंगे हस्तलिखित पांडुलिपि ठीक है पांडुलिपि मैसूर रियासत के पुस्तकालय में शाम साथी को भेंट की थी और 1909 में इस ग्रंथ का प्रकाशन जो अर्थशास्त्र का प्रकाशन कौटिल्य की वास्तविक यानी कि नाम क्या रखा गया विष्णु गुप्त ठीक है शर्मा है। यहाँ पे इसका वास्तविक नाम क्या है कौटिल्य का यानी कि विष्णु गुप्त शर्मा है। और कुछ लोग बताते हैं कि ये चंद्रगुप्त यानी कौटिल्य जो है वही यानी कि चंद्रगुप्त के बड़े भाई थे।
कुछ का मानना है, ठीक है, ये कोई अलग व्यक्ति थे यानी कि विष्णुगुप्त, ठीक है, यानी कि उसके भाई, तो जिसे चाणक्य कहा गया, उन्होंने बाद में बताते हैं कि चाणक्य मान लिया गया, विष्णुगुप्त यानी कि चंद्रगुप्त के बड़े भाई थे ऐसा माना जाता है कुछ, यानी कि जो बौद्धिस्ट लोग हैं ऐसे ही मानते हैं। यहाँ पे अर्थशास्त्र यानी कि गद्य पद दोनों में इसको ध्यान रखेंगे, किसमें अर्थात गद्य पद दोनों का मिश्रण है, अर्थशास्त्र में कुल यानी कि 15 अधिकरण है। आगे प्रथम अधिकरण में यानी कि राज्य की समस्याओं के बारे में, ज्ञान की शाखाओं के बारे में इसका कोई गलत रोल नहीं है, ठीक है। दूसरे में क्या कहा गया, पदाधिकारी प्रशासनिक संगठन अधिकारी। तीसरे में यानी कि राज्य के दीवानी फौजदारी यानी कि न्याय प्रणाली के बारे में कहा गया। पांचवे में यानी कि राज्य कर्मचारी अनुशासन और अधिकारी दायित्वों का निर्वहन की बात की है। छठे में यानी कि सात प्रकृतियों अंगों सप्तांग मंडल का विवेचन किया गया है। सातवें मंडल में ठीक है पंडगुड़ी के उद्देश्य यहाँ पर दिए गए हैं, शत्रु मध्यम उदासीन वश में किया जा सकता है, ठीक है। व्यसनों से निरूपण संबंधी बताया गया। आठवें में, नवे में आपत्ति राशि से बचाव के है, तो इनको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वहीं से आपको क्वेश्चन आते हैं, ये अर्थशास्त्र के बारे में विशेष यानी कि नॉलेज दी गई है, ठीक है, इनको यहाँ पर ठीक है आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं। आगे चलते हैं, यहाँ तक मैं पढ़ा चुका हूँ। तो प्यारे बच्चों, आपको अगर हमारी जानकारी अच्छी लगी है तो जरूर ठीक है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बताएं कि आपको हमारे द्वारा दी गई ठीक है कंप्लीट नॉलेज मौर्य साम्राज्य पर आपको कैसी लगी, आपको कैसा लगा, ठीक है, जरूर बताएं, कमेंट करके बताएं। तो आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मेरे साथ, ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।